इतना देरी में कोई को पंप लगा दो। नमस्कार सर, अभी जो है हाइड्रोलिक पंप हम लोग फिट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था कि दूसरा पंप के अंदर से ऑयल गिर रहा था नीचे, इसलिए जो हम लोग हाइड्रोलिक पंप दूसरा डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं, हाँ निकाल रहे बेल डाला, हाथ से लगाना, हाथ से उठाना पड़ेगा ना। हाँ उठाना पड़ेगा, बेल्ट नहीं फंसा के रखना ऊपर वाला पाइप में, लोड पड़ेगा ना रे बोले तो उसको पकड़ घुमाना पड़ेगा, उसमें लगा देंगे तो नहीं घूमेगा। पंप में पूरा लगाइए, पूरा नीचे तक। हाँ ये बेल्ट में उतना जगह न रहा, इधर बोला कि बेल्ट इधर उधर नचे दिया। पहले बाहर थोड़ा आने दे, आया तो बाहर गिराओ, नीचे देखते हैं गिराना कौन चाहिए। तो थोड़ा और खींच, कपड़ा कहाँ है, कपड़ा खींचो, चल घूमेगा तब ये वायरिंग रुक रहा निकाल। चले चलो घूमेगा, किधर पाइप कहाँ रखा, फुहारी का पेचकस कहाँ गए, पेचकस चल अंदर चला गया। चलो आप निकाल, पेचकस देना रे तू, पेचकस काम नहीं आएगा यार। ले उधर उधर नहीं लगेगा तो ऐसे कर ले। गया चलो उठाओ, चलो नचा चल निकाल उसको बाहर को, बाहर को निकाल, बाहर खींच ला रही पम, नचा नीचे वाला हिस्सा नचा नचा यार, हम नीचे जा रहे हैं, नचा थोड़ा सा, हम नीचे ठीक गया, चले हट कम ऑन, हां चल 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 चले 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 उठाओ, चल नीचे कर तुम, उठा कर रखो लोड, चल वो बॉडी में अड़ जा रहा, चल लो घुमाना, हाँ चल थोड़ा, हाँ बस चलो देख। मेन सेक्शन के हॉस पाइप जो है अभी सफाई कर रहा है, अभी उसके अंदर वायरिंग लगा हुआ था, वायरिंग भी कट गया, नया वायरिंग डालेंगे और उसके अंदर गायना बॉन्ड जो है वो भी सफाई कर रहे हैं। और ये पंप का देखा, ये पंप का जो है बोल्ट सब जो ढीला हो गया है, ये वाला पंप का बॉडी का ये बोल्ट सब ढीला हो गया है, इस कारण क्या है कि पूरा ऑयल जो है साइड साइड से बाहर फेंक रहा था, इसलिए हम लोग जो है इसको चेंज कर रहे हैं और ये दूसरा पंप जो है हम लोग लेकर आए हैं। इसमें देखिए बोला वायरिंग लगेगा, अभी आप देख सकते हैं नया वायरिंग हम लोग लगाए, नया सील लगाए हैं क्योंकि हाइड्रोलिक पंप खोल के लगाने में बहुत दिक्कत होता है,
आप देखे भी हैं किस तरीके से हम लोग बाहर निकाले हैं, फिर उसके बाद फिटिंग भी करना है। इसलिए जो है जब भी काम करें तो पंप के सील नया डाल के ही लगाएं, अच्छा रहेगा। और दूसरा पंप के आप देख सकते हैं इस साइड साइड से जो है पूरा ऑयल गिरा निकल रहा है। इसके अंदर का जो वायरिंग है ये देखिए आप, ये बोल्ट सब जो है ढीला हो गया हुआ है। मार्किंग से ऐसे में आपको मालूम चल जाएगा कि बोल्ट ढीला है इसका। ए बाबू, तेरे को कपड़ा तो साफ देता। देख सकते हैं आप इधर साइड से जो है पूरा ऑयल गिर रहा था, इसका वायरिंग जो है बैठ गया हुआ है। पंप अच्छा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए। पंप प्रेशर अच्छा बना रहा है। अब जो हम लोग दूसरा हाइड्रोलिक पंप फिट कर रहे हैं, कुछ घुसा घुसा तो नहीं है ना इसमें पंप के नीचे से? नहीं कुछ नहीं, फुसाने थे बाहर से निकाल लेंगे। घुमाइए कम खुमास जान दे घुमा दे। हाँ चल जान सीधा करेंगे और लिया करे बोलो बाप। चले चले उठो चले एक कार निकलवा। हाँ छोड़ो ना नाम करो उठाओ 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 तो नहीं धो पा रहा ना 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 करो ता ठीक है उठाओ। हाँ चलो बोला पीछे से तोरे उधर जी सीधा दे जा बेल्ट फ्री है
खींचो रुक दे बेल्ट बोल रहा हले देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप फिट हो गया है। अब जो है पाइपलाइन कनेक्शन करेंगे। जब बंद रहता है तो ये नहीं कि मिट्टी छोड़ाओ, ऑपरेटर का झाड़ बना है अभी लड़ा इतना जंग छोड़ा कि लगा मिला गोटी मिला ले इसको फंसाओ। हाँ देख वहां से नीचे की तरफ से पकड़ जीरो पकड़ ना। अरे हाइड्रोलिक पंप के अंदर जो माउंटिंग उसका बोल्ट टाइट करना उसको पकड़ ना सही से। निकल गया टाइट से मालूम चल जाएगा बोला। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक पंप जो है फिटिंग हो गया है। अब जो पूरा कनेक्शन ओके है अभी स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल कर दिया हाइड्रोलिक फिल्टर सब डाल दिया। बोला करो स्टार्ट। फंक्शन चेक कर रहे
ब्लेड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी मशीन लेवल है, अभी हाइड्रोलिक लेवल चेक करेंगे। अभी आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक लेवल कम है, कि हाइड्रोलिक एलम जब लोग डालेंगे हाइड्रोलिक एलम का जो बीच कांच पर रहना चाहिए। अभी ओके हुआ, अभी बंद करें डोजर।